आज हम बात करेंगे म्यूटेशन के ऊपर। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखें तो हमें पता है कि उसके अंदर ना हमें वास्ट अमाउंट ऑफ डीएनए देखने को मिलता है। लेट्स सपोज अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन को देखें और उसके डीएनए को हम लाइन अप करें तो वो डीएनए 100 बिलियन किलोमीटर्स तक जाएगा, यानी अर्थ से जुपिटर तक जो पूरा रास्ता है उसको हम 60 टाइम्स कर लें, इतना लंबा डीएनए एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। इतना लंबा और इतना कॉम्प्लेक्स अगर डीएनए है तो उसमें कोई ना कोई अगर कोई सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आ जाए तो उससे हमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी फेस करने को मिलेगी। वो जो भी हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, जो भी उसके सीक्वेंस में हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है, उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। अब म्यूटेशन के ना दो लेवल्स होते हैं, एक को हम सोमैटिक टाइप के नाम से जानते हैं और एक को हम जर्म लाइन सेल्स जानते हैं। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, बेसिकली सोमैटिक का मतलब बॉडी होते हैं, यानी हमारे बॉडी के सेल्स या हमारे बॉडी के वो पार्ट जिनमें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर इनके डीएनए में, जो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, इनके डीएनए में कोई भी सीक्वेंस में कोई चेंजेस आए, कोई रिप्लेसमेंट हो, तो वो डिजीज़, वो एबनॉर्मेलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे तक रहती है, फर्दर हमारी जनरेशन में नहीं जाती। लेकिन अगर जर्मलाइन सेल में उसके सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आएंगी, यानी कि हमारे सेक्स सेल्स में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हमें कोई भी सीक्वेंस में चेंजेस देखने को मिलेंगी, तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट होंगी। इसके अलावा म्यूटेशन को ना दो फर्दर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है, एक को हम क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और एक को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि हम ह्यूमंस में 46 एक कांस्टेंट नंबर है क्रोमोसोम का। अगर इस 46 में एक क्रोमोसोम ऐड हुआ या एक क्रोमोसोम कम हुआ, तो उससे जो एबनॉर्मेलिटी होगी उसको हम क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन की एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल से बात करें तो डाउन सिंड्रोम हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर दो की जगह तीन क्रोमोसोम जब आ जाएं, यानी कि ट्राइसोमी हो जाए, तब उस पेशेंट को डाउन सिंड्रोम होता है, यानी कि बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम जब हो जाए तो उस पेशेंट को क्या होगा, वो पेशेंट डाउन सिंड्रोम का होगा। इसके अलावा टर्निन सिंड्रोम पे बात करें तो इस सिंड्रोम के अंदर ना क्या होता है, पेशेंट के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर हमें फर्दर जो उसकी रिप्रोडक्शन वाला स्टेज होगा उस पर उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन की ना हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। नंबर टू हम बात कर लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन पे। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर ना कोडिंग सीक्वेंस होता है, उस कोडिंग सीक्वेंस के अंदर हमें पता है कि बेस पेयर्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उन सीक्वेंस में, उन अमाइनो एसिड या बेस पेयर्स में कोई भी पेयर अपने पेयर के साथ ना अटैच हुआ या उसके पेयर मिसिंग हुआ, तो उससे क्या होगा, हमारा डीएनए सीक्वेंस इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो भी इफेक्ट होगा। तो हमारे डीएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की कोडिंग में कोई चेंजेस आए, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन में ना दो तरह की एरर्स देखी जाती हैं, एक स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर होती है, यानी एक ऐसी एरर जो डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान हो जाए, यानी एक गलती से हो जाए, सीक्वेंस जब बना रहे हो तो एकदम से कोई चेंज आ जाए, उसकी वजह से जो एरर होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर कहते हैं। एंड नंबर टू जो एरर होता है वो होता है डैमेज फ्रॉम म्यूटेजेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स या फिर सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशंस की वजह से जो डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस क्रिएट होते हैं उसको हम डैमेज फ्रॉम म्यूटेशंस का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सिकल सेल अनीमिया अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का सेल होता है, यानी कि एक रेड ब्लड सेल का अपनी शक्ल चेंज कर लेना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सिकल सेल अनीमिया कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी डिटेल में लेके चलें तो इससे क्या होता है, ये होता कैसे, उस पर बात करते हैं। हमारी डीएनए की चेंज चल रही है, उसमें अमाइनो एसिड होता है, हमने बात की, उन अमाइनो एसिड के अंदर ना अगर तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे हम वेलाइन एसिड को लगा दें उसकी 6th पोजीशन पे, तो क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको हम सिकल सेल अनीमिया का नाम देते हैं। नंबर टू हम बात कर लेते हैं फिनाइल कीटोनूरिया के ऊपर।
फिनाइल कीटोनोरिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो कि किसी पेशेंट या फिर किसी बेबी के सेल के अंदर फिनाइल अलानिन की जब मकदार ज़्यादा हो जाए तो उससे होती है। अब होता क्या है, अगर फिनाइल अलानिन किसी भी इंसान के अंदर ज़्यादा हो गया उसके सेल के अंदर, तो उससे उस इंसान को मेंटल रिटार्डेशन फेस करने को मिलेगी। और अगर ये किसी बेबी को होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका ब्रेन प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो रहा होता। लाइक न्यू बॉर्न बेबी को अगर ये डिज़ीज़ हो जाए तो उसका ब्रेन प्रॉपरली डिवेलप नहीं होगा। जब ब्रेन प्रॉपरली डिवेलप नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, उसके अंदर हमें डिफरेंट उसको मसले देखने को मिलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह म्यूटेशन होता है, कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी डिजीज़ पे बात कर ली, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।